हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज की इस क्लास में हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से। मैंने पिछली क्लास में आपको सेल्फ इंडक्शन बताया था, एनर्जी स्टोर, ग्रुपिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। आज की क्लास में स्पेशली आपको सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। बहुत स्पेशल क्लास है, शुरू करते हैं। देखो, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको इस क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कॉइल की जिससे वो किसी दूसरे अपनी करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। ऐसी प्रॉपर्टी किसी कॉइल की जिससे वो अपने करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। और टोटल फ्लक्स लिंक इन द कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। तो फाई इक्वल टू एल आई लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। इसका पहला इस्तेमाल मैंने सोलेनोइड में किया था, लेकिन आज फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। देखो, जैसे ये सोलेनोइड, ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर रेडियस है और इसकी लेंथ है स्मॉल एल। अच्छी बात है, स्मॉल एल क्या है, लेंथ, और आर है इसका रेडियस, और हम इसे आइडियल सोलेनोइड मानते हैं। आइडियल सोलेनोइड है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, ठीक है, और करंट कितना है आर जो कॉइल से गुजर रहा है, ठीक है। यहां पे टर्न डेंसिटी दे रखी है n, टर्न डेंसिटी, अगर आप ऐसे लिखना चाहें टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, तो लेंथ कितनी है बच्चों, स्मॉल है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं टर्न डेंसिटी को। मतलब किसी क्वेश्चन में आपको टोटल टर्न दे रखे हो सकते हैं, किसी में आपको टर्न डेंसिटी दे रखी होगी। अब देखो, अब आपको फाइंड करना है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है सोलेनोइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चे, म्यू नॉट एन आई, मैंने फोर बोला, ठीक है। अब हम फ्लक्स थ्रू वन टर्न पता करने जाए, थ्रू वन टर्न कितना होगा बच्चों, फाई नॉट, एक टर्न से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एक सामने से सर्कुलर दिखाई देगा ना आपको, ये अगर इधर से कोई देखे इसको, ऐसे कोई इसको देख रहा हो तो उसको कैसे दिखाई देगा सर्कल, ऐसे ना, ना सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है ना, ये फ्लक्स आ गया, दैट इज म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर, ठीक है। टोटल फ्लक्स पता करना हो तो बताओ बच्चों, टोटल फ्लक्स पता करना हो तो वो कितना होगा, टोटल टर्न इनटू, समझ रहे हो बच्चों, भाई एक टर्न से फ्लक्स आया है, एन टर्न से कितना होगा, एन इनटू फाई नॉट, तो फाई इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एन की जगह क्या लिख सकते हो, एन इंटू एल म्यू नॉट एन स्क्वायर एक इंटू एल इंटू आई पाई आर स्क्वायर, मैंने स्मॉल एन कैपिटल एन की जगह ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, फाई इक्वल टू, हमें पता है कि फाई जो होता है टोटल फ्लक्स, लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, किसके बराबर होता है, एल आई के। कंपेयर करो तो बाय कंपेयरिंग फाई इक्वल टू एल आई, और यहां से ये इन दोनों में देखना एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, क्लियर है, समझ आई इतनी बात। तो देखो, ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया बच्चों, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मीडियम इनसाइड द कोर डिपेंड करता है ना,
और अगर आप इसे कैपिटल एन के टर्म में लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन लेंथ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एक एल सेल कट जाएगा अपॉन एल, ठीक है ये भी बन सकता है। अब देखो बच्चों, अब हम इसी का बना लेते हैं टोरॉइड, ठीक है टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पता करते हैं। तो टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों, टोरॉइड कैसा होता है देखो, टोरॉइड कुछ ऐसी शेप होती है, मतलब उसमें ऐसा वायर, ठीक है बच्चों, ऐसी शेप होती है ना टोरॉइड की, ऐसे है ना सर्कुलर होगा ये, हमने फिलहाल ऐसे रख रखा है, अगर आप ऐसे देखना चाहो तो सामने से अगर देखें ऐसे सर्कुलर शेप होती है, ऐसे होगा ना बच्चों ये टोरॉइड, हमने इसको ऐसे देख रहे हैं थोड़ा प्रोजेक्ट करके, इसमें हर टर्न में करंट जा रहा है जो वो है I, ठीक है ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है बच्चों करंट I गुजर रहा है। अब इसके दो रेडियस होते हैं बच्चों, एक एक इसका मेन रेडियस दैट इज कैपिटल R मान लेते हैं उसको, और एक इसका अपना रेडियस स्मॉल r। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है R इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है कंडीशन दे दी हमें। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, बिल्कुल वही इसमें भी टर्न डेंसिटी दे रखी है बच्चों स्मॉल n, आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है और हम इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माना जा सकता है। तो थोड़े एंजम्पशन के साथ ये सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड होगा। तो आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है ऐसे लिख सकते हो, और n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन 2 पाई r, ये भी लिख सकते हो टर्न दे रखे, ठीक है हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान लें इसमें। अब देखो सर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको पता है कि यार इसमें ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, ऐसे ट्यूब की तरह है ना ये, अगर इसे कट करोगे तो ऐसा क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाई देगा, ऐसे 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 टर्न है ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा, इसके एक टर्न से फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है तो म्यू नॉट एन की जगह एन अपॉन टू पाई आर इनटू आर स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिखा बच्चों, बी की जगह लिखा म्यू नॉट इनटू पाई आर, म्यू नॉट एन आई ना, तो एक मिनट थोड़ा ठीक कर देता हूं इसको, देखो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, ठीक है इनटू पाई आर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो टोटल फ्लक्स कितना हो सारे टर्न्स, जितने इसमें टर्न है सब में से फ्लक्स पता करना, कितना होगा एन इनटू फाई नॉट, ठीक है और एन कितना होगा नंबर ऑफ टर्न म्यू नॉट एन आई लिख सकता है बच्चों, टोटल टर्न मल्टीप्लाई कर दिए भाई एक से पता करके टोटल फ्लक्स लिखना होता है, और फाई हमें पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों एल आई है ना, कंपेयर करो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एन, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो एन की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, एन की जगह क्या लिख सकते हो टोटल टर्न टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ, समझ रहे हो बच्चों टोटल टर्न अगर आपको मान लो एन के टर्म में कैलकुलेट करना है ये, तो एन इक्वल टू क्या होता है टर्न डेंसिटी इनटू लेंथ, मान लो लेंथ कौन से वाली 2 पाई, समझ रहे हो बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एन इंटू टू पाई, ठीक है ऐसे लिखा है, क्लियर है बच्चों समझ आया इतनी बात, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू एन टू पाई आर, ये क्या आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस टॉरॉइड, क्लियर। अब देखो
देखो आप स्मॉल एन के टर्म में भी लिख सकते हो, कैपिटल एन के टर्म में भी। अगर इसको एलिमिनेट करना था तो मैंने स्मॉल एन के टर्म में लिख दिया, एन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और उस केस में अगर मैं मान लो मैं इसके टर्म में लिखना चाहता हूँ कैपिटल एन के टर्म में, तो स्मॉल एन को गायब कर देता, एन अपॉन 2 पाई आर से कट जाता। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बदल गया। जैसे आपको देखते टॉरॉइड का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है। सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर होता है, लेकिन ऐसे सोचो जैसे ये ना रेक्टेंगुलर है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ऐसा टॉरॉइड हो तो वो कैसी शेप बनेगी? देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ बनेगा ना बच्चों। इसमें ना यहाँ टर्न है, ये टर्न है, जैसे वायर जा रहा है ऐसे, ठीक है? इसका इनर रेडियस ए है और राउटर रेडियस डी। समझ सकते हो बच्चे इस डायग्राम को? थोड़ा अच्छा से नहीं बना, परफेक्शन नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। ओ ये तो पूरा ही गायब हो गया, कोई बात नहीं दोबारा बना लेते हैं, ठीक है? जैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये। ठीक है बच्चों इस तरीके से उसमें ना टर्न है, कैसे हम जैसे देखो वायर ऐसे रिपीट और करंट ऐसे जा रहा है, घूम के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे टर्न है, सारे नहीं बना पाऊंगा इस तरीके से। और इसका ये वाला जो टर्न है रेडियस है ए और सेंटर से ये तक है बी, ठीक है? और एन है टोटल नंबर, ठीक है? आई करंट, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका सेल्फ इंडक्टेंस बता। तो देखो बच्चों इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बताएं? सबसे पहले अगर आप इसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसी शेप दिखाई देगी, दिखाई देगी नहीं? इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, हमने इसमें आर डिस्टेंस ले लिया इसे, ठीक है? पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे ऐसे ही सोचे तो हमने क्या काम किया, आर डिस्टेंस ले लिया, ठीक है? और हम यहाँ एक लूप बनाएंगे बच्चे, क्या बोलेंगे उसको, एम्पियर्स लूप। भाई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऐसे, तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन। पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड पहले क्यों नहीं फाइंड किया? तो पहले अंडरस्टूड था, हमें गिवन होता था ना, हमने कैलकुलेट कर रखे थे टोरॉइड के सोलेनोइड के, ऐसा नहीं कभी कैलकुलेट किया। तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल म्यू नोट, कितना करंट होगा इसमें? तो एक वायर से करंट कितना है आई, तो टोटल टर्न कितने हैं एन, कितना हो जाएगा म्यू नोट एन आई, है ना? और डी एल का इंटीग्रेशन पूरे लूप का लेंथ लेंगे ना, पूरे लूप की लेंथ कितनी होगी, अरे म्यू नोट एन आई अपॉन, ऐसे बी इक्वल टू आ गया म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई, ठीक है बच्चों? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहां तक। अब हम ये देखना चाह रहे हैं भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे होगा, तो यहां हमने एक एलिमेंट लिया बच्चों, कैसा देखो ऐसे एक एलिमेंट लिया, देख रहे हो बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा, इसकी हाइट भी दे रखी है हमें, पता नहीं पाया था मैं, इसकी हाइट भी दे रखी है h, इसकी थिकनेस मान लो बच्चों अगर r से बढ़ रहा है तो dr, ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई नोट फ्लक्स थ्रू दिस स्ट्रिप, है ना?
कितना होगा बच्चों, डी फाइव कहेंगे हम इसको, डी फाइव होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, ठीक है बच्चों। और टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और अगर पूरे टर्न से पता करना है, ये तो एक टर्न का है, तो टोटल टर्न मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, सोचो भाई इसके एक टर्न से आएगा इतना जो इंटीग्रेट करके, और जितने टर्न है वो सारे मल्टीप्लाई भी तो करने पड़ेंगे। तो हमने क्या काम किया, एन मल्टीप्लाई कर दिया, एन ऐसे, ये एन है बच्चों, ठीक है, एन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन आई अपॉन टू पाई। और एरिया कितना होगा इस स्ट्रिप का, तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बच्चों ये, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर, और हेड हाइट कितनी है एच, डी आर इंटू एच, समझ रहे हो। तो देखो म्यू नॉट आई एन स्क्वायर एच अपॉन टू बाय वन अपॉन आर डी आर, ठीक है बच्चों, वन अपॉन आर डी आर, क्लियर है। अब देखो आर की वैल्यू, आर कितना होगा बच्चों, तो आर देखो आर की वैल्यू कहां से, यहां सबसे पहला लिमिट यहां बनाओगे ना, तो यहां से बढ़ते बढ़ते यहां जाएगा, तो आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू ए प्लस, तो ए से ए प्लस, ठीक है। देखो म्यू नॉट आई एन स्क्वायर एच अपॉन टू पाई log of r a to a plus b, ठीक है, म्यू नॉट आई एन स्क्वायर एच अपॉन टू बाय log of a plus b अपॉन, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एल आई, है ना। तो देखो ये भी अपने आप एक बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन phi equal to li, तो और ये इसको कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन बी, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, यू नॉट आई स्क्वायर एच अपॉन टू बाई लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन, ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों ओलंपियाड, है ना, जेई मेन्स, जे एडवांस, इन तरीके के वी पी वाई, इन एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव बोर्ड वगैरह के लिए नहीं है क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब अगर हम कुछ ऐसा लें, जैसे हमने होलो पाइप लिए थे बच्चों, याद करो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, जैसे एक वायर है, ठीक है, कोएक्सियल केबल है ये, इसके अंदर करंट जा रहा है बच्चों, आई, इसका इनर रेडियस ए, इसका रेडियस ए, इसको दूसरे वायर से ढक रखा है, ठीक है, इसका रेडियस है बी, और इसमें बाहर से करंट आ रहा है, बाहर से मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आई बात ये कैसे, ये मतलब दो पाइप है कोएक्सियल, ठीक है, जैसे एक ही और एक इसके दूसरी तरफ, इस वाले में करंट ऐसे कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे रखें ये, और ऊपर वाले में नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा हो सकता है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती थी, क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया। हमसे पूछा जा रहा है ये तो लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस सिस्टम, सुन में आ बच्चों, इस सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बतानी है, कैसे बताएं, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस तो तब होती है जब फ्लक्स हो, है ना। एक बात सोचो बच्चों, इस वायर में ना, इस बाहर वाले वायर को भूल जाओ, ये जो पार्ट है, अब पहला क्वेश्चन इसने करंट ऐसे क्यों दिया हमें, भाई जहां फ्लक्स होगा वहीं सेल्फ इंडक्टेंस आएगी, है ना,
एक बात देखो, इस क्वेश्चन में ना केवल इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ में आया, ना तो अंदर होगा क्योंकि होलो पाइप है, सारा करंट बाहर से जा रहा है, अंदर नहीं है करंट। दूसरा इसमें कर यहाँ करंट जा रहा है, और जब बाहर जाओगे तो टोटल करंट लूप के अंदर लोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है और ऊपर बाहर वाले जो आउटर पाइप है उसमें करंट अंदर आ रहा है। तो जब हम टोटल करंट लेते हैं, जब लूप बनाओ, मान लो मैं यहाँ पे एक लूप बनाओ ऐसे, और चेक करो कि यार इसमें टोटल करंट कितना है, तो जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अंदर भी जीरो है। तो यहाँ पे बी वन इक्वल टू जीरो और बी आउटसाइड जीरो, ठीक है। केवल इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, यानी कि है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ईजी हो गया, हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे फाइंड करें भाई? अच्छा पहले सोचो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगा। तो वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप की फॉर्म में होगा, ऐसे बच्चा देखना, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, फिर इधर से बाहर आ रहा है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, और इस रीजन में बाहर, ठीक है, और इसमें अंदर की, क्लियर है। अब सोचो बच्चों, ये बात हमें पता लग गई कि यार इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इनवर्ड, तो इसमें टोटल फ्लक्स ऐसे किसी हिस्से में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो वहां फ्लक्स देखना होगा। यहाँ फ्लक्स कैसे देखेंगे? तो बच्चों यहाँ ना सेगमेंट लेंगे, एक कैसा सेगमेंट, ऐसा लेंथ एल का एक सेगमेंट ले लिया, क्योंकि तो लॉन्ग वायर है भाई, लॉन्ग पाइप है, इनफाइनाइट लेंथ है, देखो तो लेंथ एल ले लिया हमने ऐसे, ये एक सेगमेंट लिया बच्चों ये, ठीक है। इससे पता करें इसमें कितना फ्लक्स जा रहा है, वही सबसे जा रहा है, वही पूरे हिस्से में घूम रहा है, टर्न तो है नहीं यहाँ पे कि टर्न मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमने क्या काम किया बच्चों, पहले आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे, तो सबको पता है ये हमने क्वेश्चन कर रखे हैं मैग्नेटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब क्या काम करो बच्चों, यहां पे ऐसे एक एलिमेंट dr थिकनेस, dr थिकनेस का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट लिया, तो फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, क्लियर है, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखो म्यू नॉट आई ऑन टू पाई आर, एरिया कितना होगा इस स्ट्रिप का, कि लेंथ कितनी मानी है मैंने एल, ठीक है, और थिकनेस कितनी है डी आर, ठीक है बच्चे। देखो ओ ये टोटल फ्लक्स ले रहा है ना, इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, एल बाहर आ गया डी आर, ठीक है। सोचो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो आर कहां से कहां तक, इतने रीजन में है ना फ्लक्स, आर इक्वल टू यहां पे कितना होगा ए, और यहां कितना होगा इक्वल टू बी, ए से बी ऐसे चलेंगे ना, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई लॉग ऑफ, ओए ये आर भी तो होगा बच्चे, लॉग ए टू बी, तो जब आप लिमिट लोगे log a माइनस log b या log b माइनस log a, पहले पर लिमिट रखेंगे और log के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे ये क्या हो जाएगा, log of b by a, क्लियर, ये फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स है, और phi इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एल आई, ठीक है, और ये इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, इक्वेशन बी, भाई यही तो कर रहे हैं हम, पहले टोटल फ्लक्स पता कर लेते हैं उस एरिया से जिस एरिया में सेल्फ इंडक्टेंस बनने जा रहा है, और फिर क्या करते हैं इंटीग्रेट, ओ इक्वेट इस वाले कंडीशन से, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई लॉग ऑफ बी बाय, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि सेल, हमें पूछा क्या गया था, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल बाय स्मॉल एल, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई log of b by a, ठीक समझ आया बच्चों, तो बताओ क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट है तो बोलो।
अब ये इस तरीके का क्वेश्चन देखा हमने, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये इसमें पाइप थे, कॉन्सेंट्रिक पाइप है ना। अब बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो रहा है जैसे आपने तीन जगह सीखा है सर। जैसे पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस फाइंड किया था हमने। ऐसी डिफरेंट शेप की वजह से कैपेसिटेंस हुआ, फिर डिफरेंट शेप की वजह से रेजिस्टेंस हुआ, और डिफरेंट शेप की वजह से इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस है ना। क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसा ही कि अगर मान लो हमारे पास तो दो लॉन्ग वायर है, ठीक है, दो लॉन्ग वायर है, इनके इनर रेडियस है ए और इनके बीच में गैप है बच्चों बी, ठीक है, ऐसे दे रखा है। और यहां क्या है बच्चों, इस वायर में करंट जा रहा है ऐसे आई और इसमें आ रहा है उल्टा, मतलब इसमें आ रहा है करंट और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। इनके बीच में सेल्फ इंडक्टेंस बताना है पर यूनिट लेंथ, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बताना है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ऐसे जैसे, अब यहां देखो यहां वायर है, तो वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो और इसकी वजह से भी इनवर्ड हो। तो अगर मैं यहां एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लूं, जो इधर से आर होगा तो इधर से कितना होगा बी माइनस आर डिस्टेंस पे होगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड हो जाएगा बच्चों, बी वन प्लस बी टू। तो पहले वाले वायर का, लेफ्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टू पाई आर, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। और इधर दूसरे वाले की वजह से म्यू नोट आई अपॉन टू पाई बी माइनस, ठीक है, देख लो बच्चों इनवर्ड। अब जैसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ, हमें पता है फ्लक्स फाइंड करना है। अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जो वेरिएबल बाहर से मतलब इनके बीच में देखना होता है, जैसे कैपेसिटेंस देखते हैं तो बिटवीन द प्लेट्स देखते हैं ना, तो सोलेनाइड के अंदर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे देखना है बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक ऐसा रीजन बनाया, यहाँ पे एक लेंथ लिया ऐसे स्ट्रिप ली बिल्कुल ऐसे, इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल एल और थिकनेस कितनी है डी आर, ठीक है, एल लेंथ है और थिकनेस डी आर। तो जो फ्लक्स होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी माइनस आर, और एरिया कितना होगा लेंथ इनटू डी आर, ठीक है, टोटल फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बाहर ले लिया इनटू एल बाहर ले लिया वन अपॉन आर डी आर, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वन अपॉन बी माइनस आर डी आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले सोचो लिमिट क्या होगी। तो आर यहां से शुरू हो रहा है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और फिर यहां पे, तो ए टू आर की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ए, और कहां तक इसके सरफेस बी माइनस, ठीक है, बी माइनस ए। तो यार बच्चों ये होलो पाइप है, ध्यान रखना इनके अंदर नहीं है, बाहर बस इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई, ऐसा इंटीग्रेशन अभी किया था थोड़ी देर पहले, कितना आया था बच्चों कर लेते हैं लॉग आर ए टू बी माइनस, बस इसका इंटीग्रेशन देखो बच्चों क्या आएगा, ये एक्स मानेंगे ना, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ b माइनस आर और ए टू बी माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई लॉग ऑफ b माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ ऐसे लिखेंगे बच्चों b माइनस और b इसके यहां जगह b लिखेंगे फिर प्लस ए हो जाएगा अपॉन फिर बी माइनस ए, ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, देख रहे हो, और ये बी से बी कट गया है ना, देखो क्या बचेगा अगर हम इसे लिखना चाहें,
ये बनेगा आर माइनस बी माइनस ए, ठीक है, म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई, इनको लिख लेते हैं ऐसे बच्चों, बी माइनस ए, कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो, लॉग ए है और माइनस लॉग ऑफ ए और लॉग बी माइनस ए, है ना बच्चों, ऐसे नहीं हो जाएगा ये, तो यहां से ना टू बाहर आ जाएगा बच्चों, देखो तो ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई इंटू टू, है ना, और लॉग ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए, समझ रहे बच्चों, देखो ये दो है, टू लॉग बी माइनस ए, लॉग बी माइनस ए, टू लॉग बी माइनस ए, और ये लॉग ए लॉग ए, तो माइनस टू लॉग ए, तो इस तरीके से फ्लक्स आकर फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल आई, ठीक है, इनको कंपेयर कर दो, एल इक्वल टू यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई एल, टू भी लिख लेते हैं ऐसे, टू बाय लॉग ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, और ध्यान दो अगर एल को यहां डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना बनता है, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो टू टू काट देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन पाई लॉग ऑफ बी माइनस ए अपॉन ए, इस तरीके से बच्चों हमने ये पूरा सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर लिया अलग अलग शेप की वजह से, ठीक है, अगली क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाएंगे, जब भी हमारे चैप्टर में बचा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एलआर सर्किट और एडी करंट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे, आपके लिए एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास में हैं या कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई होमवर्क करते हैं तो बहुत सारे डाउट आते हैं, स्पेशली जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के डाउट कैसे क्लियर करें, तो बच्चों इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जिस पे मेरा रेफरल कोड है उज्जवल की लाइफ, इसको याद रखेंगे, काफ़ी बेनिफिट होता है इससे, 10% डिस्काउंट मिलता है जब भी आप किसी कोर्स को अनलॉक करते हैं या किसी भी फीचर का यूज़ करते हैं, तो आस्क डाउट में क्या करना है बच्चों, आपको आस्क डाउट फीचर में जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है, पहले तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यार डाउट अगर हम गूगल से यूज़ करते हैं, गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन कुछ और होता है, जाता कुछ और है ना, मिलता सॉल्यूशन कुछ और है, और रॉन्ग सॉल्यूशन भी मिलते हैं, ये भी आपको बता दूं मैं, दूसरा क्वालिटी कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को हिंदी में चाहिए, कुछ को इंग्लिश में चाहिए, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियो मिलेंगे, और वीडियो सॉल्यूशन, कई बार आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक से पढ़ते हो तो होता क्या, उसमें बुक में तो लिखा है बस, और उसमें हमें पता करना होता है यार की पॉइंट ये क्या, क्यों यूज़ किया ये कंसेप्ट ऐसा, तो वो देखना है, ठीक है, और अनलिमिटेड डाउट, कितने ही डाउट पूछो आप, तो तरीका क्या होगा, आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, उस लर्निंग ऐप में बच्चों आपकी कैटेगरी होगी सीबीएसई नीट जेई जो भी क्लास की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आस्क डाउट फीचर पे जाओ और फोटो खींचो, अब यहाँ ध्यान देना फोटो खींच के आपको उसे पहले क्रॉप करना है, बिना क्रॉप करे भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, एक जैसे क्रॉप किया एक बार में एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर आप इसे भेज दो, तो विद इन मिनट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, तो एक बेहतरीन तरीका है सोल्यूशन लेने का घर बैठे, और टीचर को भी परेशान नहीं करना ना परेशान होना, अपने आप डाउट आप घर बैठे डाउट ले सकते हो, ठीक है, इन बिटवीन आपको ये कोड याद रखना है, क्योंकि इस फीचर को जब अनलॉक करना होगा आपको वहाँ एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है, तो उज्जवल के लाइव, ठीक है, तो बच्चों ये थी आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।